brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. तो सोशल मीडिया पर आज संगमित्रा मौर्य की रोने वाली तस्वीरें खूब वायरल हुई, जहां पर भाजपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए थे और हद तो तब हो गई जब संगमित्रा मौर्य मंच पर रो रही थी, तब कोई भी भाजपा का नेता जो है उनकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था। या यूं कहे तो जब पार्टियों में होता है कि किसी नेता को साइडलाइन किया जाता है तो तमाम नेता उनसे दूरी बनाने लगते हैं, तो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा था। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये था कि आखिर संगमित्रा मौर्य के आंसू छलके क्यों और भरे मंच पर क्यों छलके। तो जब हमने संगमित्रा मौर्य से खुद इस मामले को लेकर सवाल पूछा तो उनका कहना था कि उनके बगल में जो योगी सरकार की मंत्री हैं गुलाबो देवी, वो बैठी हुई थी और उन्होंने दशरथ की एक कहानी उनको सुनाई, जिसके बाद वो भावुक हो गई और भावुक इस कदर हो गई कि उनके आंसू छलक पड़े। अचानक क्या हो गया कि आपकी आज आंख नम हो गई? ठीक है, मंच पर हमारे बगल में प्रदेश की मंत्री आदरणीय गुलाब देवी जी बैठी हुई थी और उस वक्त कार्यक्रम नहीं चल रहा था, तो आदरणीय मंत्री जी एक राजा दशरथ की कहानी सुना रही थी और वो कहानी भावुक था, मार्मिक था, तो निश्चित तौर पर महिला होने के नाते भावुक होना एक स्वाभाविक विषय है और सिर्फ उस कहानी की वजह से आंखें नम हुई थी। संगमित्रा मौर्य कोई कमजोर नहीं है, संगमित्रा मौर्य बहादुर महिला है और इस देश की आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली महिला है, तो वो इतनी छोटी छोटी चीजों पर उसकी आंखें नम होना या भावुक होना कतई उसके ऊपर शोभा नहीं देता है। सर, टिकट को लेकर तो भाई ऐसा अंदर से कोई चीज सामने निकल कर नहीं आई। टिकट को लेकर के अगर होता तो मैं पहले दिन जब लोकसभा प्रत्याशी जी बदायूं आए तो मैं उनके सामने बरेली से बदायूं तक नहीं आती, पूरे कार्यक्रम में उनके साथ में नहीं रहती। जिस हृदय की गहराई से मैं उनके साथ में लगी हुई हूँ अपना चुनाव समझ करके, मैं कतई उनके साथ में नहीं होती अगर टिकट को लेकर के होता तो। पार्टी में मान सम्मान को लेकर कहीं कोई ऐसी बात नहीं है? कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अगर तब भी कोई दिक्कत होती तो भी मैं कार्यक्रम से दूरी बना करके रखती। अब भले ही संगमित्रा मौर्य इस बयान को दशरथ की कहानी से जोड़ते हुए भावुक होना बताएं, लेकिन जब आप इन तस्वीरों में बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो यहाँ पर गुलाबो देवी जिनकी वो बात कर रही हैं वो बहुत ही सहज तरीके से उनके बगल में बगल की कुर्सी पर बैठी हुई नजर आती हैं और बहुत ज़्यादा बातचीत संगमित्रा मौर्य गुलाबी देवी में यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आती। या यूं कहें तो अगर गुलाबो देवी ने संगमित्रा मौर्य को कोई कहानी सुनाई तो भावुक होने के बाद वहाँ पर उनका ढांढस बनाना बंधाना तो दिखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। संगमित्रा मौर्य अकेले बैठी रहीं और उनकी तरफ किसी नेता ने कोई हाथ नहीं बढ़ाया, कोई बात नहीं की। एक महिला भाजपा की नेता जरूर आई जिन्होंने संगमित्रा मौर्य का हाथ पकड़कर उनको सांत्वना दी, लेकिन सियासत का रंग यही है कि यहाँ पर कई तरीके की सियासी उठापटक के बीच कब किसको साइड कर दिया जाता है, कब कौन लाइमलाइट में आ जाए ये कोई नहीं जानता। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं से संगमित्रा मौर्य जो अभी मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट काटते हुए दुर्विजय शाक्य को यहाँ पर टिकट दिया है। कहा जाए तो जो बदायूं सीट है वहाँ पर शाक्य वोटर ज़्यादा हैं और संगमित्रा मौर्य भी उसी समाज से आती हैं जो कि शाह के मौर्य सैनी को सुहा माना जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि संगमित्रा मौर्य के टिकट कटने के बाद वो अभी भी फिलहाल तक तो भाजपा में आस्था बनाए हुए हैं, लेकिन क्या आगे भी उनकी आस्था भाजपा में दिखती है या फिर पिता की राह पर चलते हुए वो कोई बड़ा कदम उठाएंगी। ये खबर भेजी थी बदायूं से हमारे सहयोगी अंकुर चतुर्वेदी ने। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। शुक्रिया।